जय श्री महाकाल आदेश। मैं चंद्रनाथ अगोरी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अगोरी शिव शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अद्भुत और गोपनीय साधना लेके आया हूं। ये जो साधना मैं देने जा रहा हूं, फिर वही बोलूंगा कि ये साधना पूर्ण रूप से गुरुमुखी और गुरु गद्दी से प्राप्त है। हमारी साधनाओं को ना किसी किताब में, ना किसी बुक में, ना गूगल बाबा के पास अभी तक वर्णन होगा। गूगल बाबा भी जब ही बताएगा जब हम बताएंगे, क्योंकि ये सारा ज्ञान जो है गुरु गद्दी से मिलता है, गुरु चरणों में मिलता है, गुरु सानिध्य में मिलता है। और फैंक ज्ञान आपको कहीं भी मिल जाएगा, किताब में मिल जाएगा, रेलवे स्टेशन पे या कहीं भी बुक स्टेशनरी पे आपको 10-10 रुपये में, 25-25, 30-30 रुपये में ज्ञान मिल जाता है, किताबें मिल जाती है। लेकिन वो किसी लायक नहीं होती है, उनका कोई महत्व नहीं होता है, सब अशुद्ध होती है, उसमें कुछ भी नहीं होता है, मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों से बचें और शिव शक्ति साधना केंद्र से जुड़े, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको हम आध्यात्मिक तंत्र लाइन से रिलेटिव, साधनाओं से रिलेटिव जो भी ज्ञान मिलेगा, जो भी साधनाएँ मिलेंगी, वो पूर्ण रूप से गुरुमुखी होंगी और जेन्युइन में वो साधनाएँ सिद्ध होती हैं, कारगर होती हैं, कार्य करती हैं। और उसका जो हमने मतलब उसका जो हमारी साधनाएं कारगर भी होती हैं, और उसके लिए कैसे कारगर होती हैं आप जाके हमारे चैनल पे देखिए, क्योंकि हम ये साधनाएं ऑलरेडी अपने चैनल पे जो भी हम वीडियो देते हैं वो सारी साधनाएं हम अपने चैनल पे अपने सानिध्य में साधकों को सानिध्य शिविर में समय समय पर कराते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बनाते हुए मेन पॉइंट पे आते हैं, उस साधना पे आते हैं कि साधना, ये साधना कौन सी है, इस साधना से आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उन लोगों से जो हमारे चैनल पे पहली बार आए, वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में जो भी शिव शक्ति साधना केंद्र में वीडियो आए, हम जो भी वीडियो लेके आए, जो भी, क्योंकि हमारी वीडियो जो होती है, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी वीडियो से आप आध्यात्मिक बनेंगे, सनातन की ओर जाएंगे। ठीक है, आध्यात्मिक बनेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो देखने से कुछ नहीं मिलेगा तो जाएगा भी कुछ नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ मिलने की गारंटी मैं देता हूँ। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगा और ऐसा ज्ञान मिलेगा, ऐसा ज्ञान मिलेगा कि आपके जीवन उपरांत यानी कि जीवन भर आपके काम में आने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से वो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शिव शक्ति साधना केंद्र से जुड़े। शिव शक्ति साधना केंद्र कोई चैनल नहीं है, इसको आप कोई चैनल मत समझिए, कोई ये मेरी अकेले की संपत्ति या मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूं। शिव शक्ति साधना केंद्र जो है हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो हमारे भाई बहन, जो हमारे भारत के लोकतंत्र से परेशान है, कुछ तुच्छ लोकतांत्रिक लालच में आके किसी का बुरा कर देते हैं या तंत्र से रिलेटिव किसी भी समस्या से परेशान लोग हैं, तो वो इस शिव शक्ति साधना केंद्र से में आके अपनी समस्या का समाधान करा सकें, अपनी जो भी उनकी समस्या है, निगेटिव एनर्जी है, किया है, कराया है, खिलाया पिलाया। तो हमारा उद्देश्य यह है कि शिव शक्ति साधना केंद्र आज भी जन कल्याण कर रहा है, आने वाले टाइम में भी बड़े लेवल पर जन कल्याण करे और लोगों का भला करे, क्योंकि शिव शक्ति साधना केंद्र एक विकराल रूप ले चुका है और अभी ये एक आश्रम में बनके तब्दील हो चुका है। तो यहाँ पे अभी हम कम छोटे लेवल पे काम कर रहे थे तो कुछ लोगों का भला कर पा रहे थे। मैं अकेला काम कर रहा था तो अकेले के हिसाब से अभी मैंने अपने शिष्य भी तैयार किए, एक पूरी टीम शिव शक्ति साधना केंद्र में काम करेगी और आपको हर वो शिव शक्ति साधना केंद्र से मतलब सुविधाएं प्राप्त होंगी जो आप कामना भी नहीं कर सकते। समस्या का समाधान तो करा ही सकते हैं यहाँ से, और भी बहुत कुछ शिव शक्ति साधना केंद्र में जन कल्याण और सनातन के लिए और धर्म, हमारे धर्म के लिए और समाज सेवा के लिए बहुत सारे कार्य होने बाकी हैं, जिनका शुभारंभ होने वाला है, हो चुका है, समझिए। ठीक है, तो आज की साधना शुरू करते हैं कि आज की साधना कौन सी है।
आज जो हम आपके लिए साधना लेके आए हैं, ये साधना है यक्ष वीर की, ये साधना जो है यक्षदेव साधना है। यक्षवीर तो मैंने दे रखा है, ये साधना जो है यक्षदीप देव साधना है, यक्षदेव। तो यक्षदेव जो साधना है, जैसे यक्षों को तो आप सभी लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हो तो उसके उनके लिए बता देता हूँ कि यक्ष जो आते हैं ये भी देवतागण होते हैं। देवताओं से नीचे इनका ओहदा होता है, या बोल सकते हैं कि देवताओं के नीचे काम करते हैं, तो इनमें भी कैटेगरी होती है। तो देवताओं के गण होते हैं, उनके सेवादार होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि देवता कुछ गलती कर देते हैं, गलत काम में कर देते हैं, तो उनको यक्ष योनि में डाल दिया जाता है, और जब तक उनकी मुक्ति नहीं होती है, जब तक वो मानव सेवा ना करें, मानव सेवा यानी किसी का भला ना करें, ठीक है। तो आज हम जो साधना दे रहे हैं वो आपको दे रहे हैं यक्षदेव साधना, जो कि बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ और गोपनीय साधना है। इसका उल्लेख आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना किसी किताब में, ना बुक में, क्योंकि ये गुरुगति से प्राप्त है, हमारे गुरु चरणों से प्राप्त है, दादा गुरु महाराज के चरणों से प्राप्त है, ठीक है। तो ये साधना मैं आप लोगों के लिए लेके आया, और चलिए विधि विधान बता देता हूँ, इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू बता देता हूँ कि इससे क्या आप लाभ ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते। तो सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि कोई भी इस साधना का दुष्ट परिणाम नहीं है। जीवन में आपके इस साधना को करने के बाद जीवन में कोई हानि आपको नहीं होगी, किसी प्रकार का भी जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए, समस्या तो ज़्यादा खाने से भी आ जाती है, अगर आप ज़्यादा खा लेंगे तो पेट खराब हो जाता है। ताकि खाना हमारे जीविका का एक महत्व, जीविका का जो महत्वपूर्ण पहलू है वो अन्न है, बिना अन्न के जीवन नहीं चल सकता। तो खाना भी नुकसान देता है ज़्यादा खाने से, तो अगर आप शक्ति से शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे, गलत कार्य करेंगे, किसी का बुरा करेंगे, ये शक्तियों से छेड़छाड़ करेंगे, तो शक्तियों आपका हित तो करेंगी। तो साधना करने के बाद किसी का बुरा करने की नहीं सोचे, ना ही बुरा कार्य करना होता है। साधनाएं जनकल्याण के लिए की जाती हैं। परमात्मा ने जो तंत्र बनाया है वो मानव सेवा के लिए बनाया है, मानव जाति के लिए बनाया है, हमारे लिए बनाया है, मानव कल्याण के लिए बनाया है। कहते हैं कि भला करने से पहले लोग हर चीज़ का ओरिजिनल से पहले नकली मार्केट में आ जाता है, डुप्लीकेट मार्केट में आ जाता है। तो ऐसे ही होता है कि अच्छे से पहले अच्छाई बाद में चलती है, पहले बुराई आगे निकल जाती है, क्योंकि लोगों के बुरे काम बहुत जल्दी करते लालच में आ गए। तो इसका कोई दुष्ट परिणाम आपके जीवन में कुछ नहीं आएगा। इस साधना के माध्यम से आप सारे षट कदम कर सकते हैं, वशीकरण, मारण, उच्चाटन, स्तंभन, विदेषण, किसी को कुछ करा दिया, खिला दिया, पिला दिया, किया कराया, भूत प्रेत जिन जिन्नात साखनी डाकनी चुड़ैल राक्षस ब्रह्म राक्षस प्रेत महाप्रेत सिद्ध प्रेत ब्रह्म प्रेत जो भी प्रेत, निगेटिव एनर्जी जो भी होती है, मसान किसी भी प्रकार का, कच्चा पक्का तेलिया, किसी प्रकार की मसानी हो, चाहे कितनी मसान हो, कितनी मसानी, सारी निगेटिव एनर्जी को आप इनके माध्यम से हटा सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं, लोगों का कल्याण कर सकते हैं, लोगों की समस्या का समाधान कर सकते हैं, मानव कल्याण कर सकते हैं, और लोग आपको दुआ ही देंगे, चारों तरफ आपकी सराहना होगी। जैसे अभी आप हमें देख लीजिए, हम लोगों का जो भी समस्या होती है उसका समाधान करते हैं, उसके अवैज में हम धन भी लेते हैं, क्योंकि धन एक जो है जीवन का अहम हिस्सा है। कोई कहे कि मैं पैसा नहीं लेता काम करने के, तो मानो सबसे बड़ा चोर है वो, मेरी नज़र में तो झूठ बोल रहा है, मक्कार बोल रहा है, सबसे बड़ा मक्कार है। निःशुल्क कुछ नहीं होता है, खाना खाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और धन मतलब खाना, जो हम खाना खाते हैं ना, उसको लाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, जो भी अनाज वगैरह हम लाते हैं। तो लोग सच्चाई से मुकल जाते हैं, और लोग फ्री के पीछे भागने लगते हैं, बाद में पता चलता है कि वो मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। तो सब आदमी की सोच के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा काम है आपको बताने का, समझाने का, तो आप ना समझे तो आप अपने आप लुटें, बर्बाद हो, उससे हमें क्या लेना देना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ये साधना। इस साधना के माध्यम से आप किसी की भी निगेटिव एनर्जी को हटा सकते हैं, सारे सट कर कदम कर सकते हैं,
वशीकरण कर सकते हैं, मादन उच्चाटन स्तंभन विध्वंसन सारी क्रियाएं कर सकते हैं। नो टेंशन, आप गद्दी चलाते हैं, दरबार चलाते हैं या चलाना चाहते हैं, बाबा बनना चाहते हैं, सोका बनना चाहते हैं, ओझा बनना चाहते हैं, तांत्रिक बनना चाहते हैं, तो आप इस साधना को कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति साधना करके तांत्रिक बने, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए, अपने समाज की सेफ्टी के लिए और अपने धर्म की सेफ्टी के लिए, हमारे सनातन की सेफ्टी के लिए, ये गुप्त हथियार होता है जो हर सनातनी के पास होना चाहिए, हर हिंदू के पास होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यक्ष साधना, यक्ष देव साधना, सबसे पहले क्या करना है, ये साधना होली स्पेशल है, असल में ये होली स्पेशल है, लेकिन आम दिनों में आप इस साधना को नवरात्रि में भी कर सकते हैं, 9 दिन, और होली स्पेशल में 11 दिन, और अन्य दिन करते हैं तब भी 11 दिन, अन्य दिनों में किसी भी, आम दिनों में किसी भी शुक्रवार से आरंभ कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको साधना करने से पहले एक कुम्हार की व्यवस्था करनी है, कुम्हार के यहाँ जाना है, कुम्हार भी वो चाहिए जो मिट्टी के घड़े बनाता हो, उसका चाक चलता हो, वहाँ से मिट्टी लानी है, मिट्टी लाके यक्ष देव की मूर्ति बनानी है, जैसी भी आपसे बने, जैसा स्वरूप लेके आप बनाएंगे मन में उनकी छवि लेके, वैसे ही रूप में आपको दर्शन देंगे, प्रत्यक्ष होंगे और वचनबद्ध होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उनकी मूर्ति बनानी है। मूर्ति का मतलब ये नहीं कि आप कलाकार हो, मूर्ति कलाकार नहीं, जैसी आपसे बने वैसी बना लीजिएगा मूर्ति। बना के सबसे पहले मूर्ति बनाइए, उसको सुखा लीजिएगा धूप में या छांव में, लेकिन उस पर किसी भी, ध्यान रहे, किसी भी स्त्री की नज़र नहीं पड़नी चाहिए, स्त्री की नज़र पड़ना वर्जित है। ये सारी चीज़ें आप गुप्त रखें, गोपनीय रखें। ठीक है, और जितने दिन आप साधना करेंगे इतने दिन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, नॉन वेज नहीं खाना है, ड्रिंक नहीं करनी है, नशा नहीं करना है, और जितना आप स्त्री से बचेंगे, स्त्री की परछाई भी आप पे नहीं पड़नी चाहिए, तो समझ लीजिएगा आपकी साधना सक्सेस, कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसी व्यवस्था कर लीजिएगा स्त्री की छाया भी आपके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, स्त्री की छाया भी आपको नहीं दिखनी चाहिए। यक्ष साधना है, पूर्ण विधान बता रहा हूँ। ऐसी व्यवस्था बनाइए जहाँ स्त्री ना हो, किसी जंगल में, खंडर में या किसी रूम में, जहाँ आपका उचित लगे, रूम भी चलेगा, एकांतवास होना चाहिए। मूर्ति बना लें और उसका पंचमृत से स्नान करें, उसका शुद्धिकरण करें, और शुद्धिकरण करने के बाद एक मिट्टी का दीपक भी बनाएं, चौमुखा, 4 वाती वाला। ये सारी व्यवस्था करने के बाद ये आपको किसी भी शुक्रवार को मिट्टी लाके आप ये कर सकते हैं, पहले भी मूर्ति बना सकते हैं, सूखने में टाइम लगता है, तो अगर आप पहले बनाए तो बेहतर, नहीं तो टाइट मिट्टी ले लीजिएगा, ज़्यादा गीली मत कीजिएगा, ढीली जिसको बोलते हैं, टाइट होगी तो जल्दी सूखेगी और जल्दी बन जाएगी मूर्ति। स्नान कराने के बाद उस पर स्नान करके गंगा जल, दूध दही, सिंदूर, पूरी तरीके से उसको एक मूर्ति लगनी चाहिए, पूजन करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें साधना में ये साधना 11 दिन की साधना है, होली पे करते हैं तो 11 दिन, नवरात्रि में 9 दिन, आम दिनों में 11 दिन। चौमुखा दीपक रहेगा, दिशा रहेगी दक्षिण, आसन कुशाका या लाल रंग का रहेगा, वस्त्र लाल या काले कोई भी चलेंगे, कोई बंधन नहीं है। दिशा दक्षिण, माला रुद्राक्ष की, साधना काल में ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, नॉनवेज का इस्तेमाल नहीं करना है, ना कोई नशा करना है, और सबसे बड़ी बात कि जितने दिन आप साधना करेंगे अपने हाथ से ही खाना बना के खाएंगे, दूसरे के हाथ का खाना नहीं खाना है, ये नियम है। साधना के पहले दिन से ही दिव्य अनुभव शुरू हो जाते हैं, ये एक बीज मंत्र साधना है। पहले दिन आपको 21 माला जाप करना है, दूसरे दिन से वो माला घटा के 11 माला कर देना है, फिर आपको 11 माला डेली प्रतिदिन जाप करना है। साधना के अंतिम दिन आपको हवन करना है। अब इसमें सामग्री क्या रहेगी, दीपक रहेगा आपका शुद्ध देसी गाय के घी का, आसन कुशाका, माला रुद्राक्ष की, वस्त्र लाल या काले, दिशा आपकी दक्षिण रहेगी, एक लकड़ी की चौकी ले, उस पर लाल वस्त्र बिछाए, दीपक प्रज्वलित करें, दीपक के नीचे चावल की ढेरी लगा लें,
ठीक है, उसके ऊपर दीपक रखना है। लौंग बतासा कपूर हर साधना में चलता है, एक लोटा जल भी रख ले, सभी साधनाओं में चलता है। पांच प्रकार की मिठाई, ठीक है, केवल पांच प्रकार की मिठाई। और एक मिनट तो मैं भूल रहा हूँ, कुछ बता देता हूँ मैंने लिखा। हाँ पांच प्रकार की मिठाई है इसमें भोग में, ठीक है, एक लोटा जल, लौंग बतासा कपूर और नींबू बली, बस इतने सी सामग्री है, बाकी कुछ नहीं करना है। ये केवल मीठे पे चलने वाली साधना है और बहुत ही अद्भुत और गुप्त साधना है। तो विधान को छूट ना जाए इसलिए देख रहा था, क्योंकि पहले रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती है साधनाओं की, और कल को YouTube से अगर वीडियो डिलीट हो जाती है, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, तो हमारे पास अगर इनकी एंट्री होगी तो हमें दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये साधना है यक्षदेव की, जो कि बहुत ही पावरफुल है। ये दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, कोई भी किसी का भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं, किसी पे मारण क्रिया कर सकते हैं, वशीकरण कर सकते हैं, उच्चाटन कर सकते हैं, किसी की भी लंका लगा सकते हैं, किसी की भी लंका जला सकते हैं, किसी को भी राजा से रंक बना सकते हैं, किसी को भी रंक से राजा बना सकते हैं। साधक इस इनकी जो भी यक्ष देव की साधना करता है, यक्ष का कल्याण जब होता है, यक्ष जब मुक्ति पाता है, जब वो किसी मानव का कल्याण करते हैं, तो सारे षटकर्म कर सकते हैं, अच्छे या बुरे, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस लिए कर रहे हैं। अच्छे ही करना, बुरे मत करना, किसी की बहन बेटी में वशीकरण मत करना, ठीक है। किसी की निगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सकते हैं, भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं, किस लिए सामने वाला व्यक्ति हमारे पास आया है, क्यों आया है, इसका काम क्या है, क्या समस्या है, किसने कराया है, कितने टाइम से कराया है, इसके घर में कौन सा दोष है, कुल देवी दोष है, कुल देवता दोष है, पितृ है, इष्ट है, या इसके ऊत हैं, जो भी है, फिलहाल सारी समस्या का समाधान आप इस यक्ष देव के माध्यम से कर सकते हैं। यक्ष एक कुछ सात्विक शक्ति है और पॉजिटिव है, निगेटिव कोई प्रभाव नहीं है। भूत प्रेत ना करके यक्ष साधना कीजिएगा तो जीवन में आपके कल्याण कार्य साबित होगी और कल्याण होगा। अपने साधक को हर सुख से संपन्न करते हैं, यश वैभव कीर्ति धन समृद्धि हर चीज से संपन्न करते हैं। तो सभी साधनाओं की बात मैं मंत्र नहीं दूंगा, क्योंकि आपको पता है कॉपी मास्टर बैठे हैं, उनको अपना ज्ञान तो कुछ है नहीं, कॉपी करने के लिए उतावले देते हैं। तो ये जो साधना है जिसको करनी है मंत्र नहीं दूंगा, जिसको करनी है सीधा संपर्क करें हमारे आश्रम के नंबर पे, नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश होता मिल जाएगा, नंबर है 9639857509, जो कि सुबह 10 से शाम 6 तक खुला रहता है, बीच में एक घंटे का लंच रहता है 1 से 2, ठीक है। तो जो लोग साधना करना चाहते हैं वो सीधा संस्थान के नंबर पर संपर्क करें, पूरी जानकारी दी जाएगी। साधना हम अपने मार्गदर्शन में, गाइडलाइन में और निर्देश अनुसार हम साधना करेंगे और पूर्ण जानकारी दी जाएगी साधना की, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और जिसको साधना करनी है वो सीधा संपर्क करें। और जो लोग गुरु पूर्णिमा पे दीक्षा लेने आने वाले हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो कराना चाहते हैं, तो जल्दी करा लीजिएगा, टाइम नहीं बचा है, व्यवस्था बनानी होती है। तो और जो हमारे जितने भी शिष्य हैं वीडियो देख रहे हैं वो हमारे यहाँ से दीक्षित है, तो आइए, वेलकम है आपका आश्रम में, पुराने शिष्यों का कोई चार्ज नहीं है, यहीं पे लूंगा जो भी लूंगा, लेना क्या आश्रम के लिए, जो आपको दान करना है वो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री माता।